अब रुक करते हैं खबरों का। कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा आज रायबरेली के दौरे पर है। यहां वे रिफॉर्म क्लब में मैदान में शक्ति संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगी। बता दें कि शक्ति संवाद कार्यक्रम में महिलाओं के साथ छात्र छात्राओं भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, अमेठी के साथ साथ रायबरेली को भी गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, इसलिए मिशन यूपी की शुरुआत के लिए यही दो जगहें चुनी गई हैं। इस कार्यक्रम को लेकर एमकेएन के संवाददाता ने महिलाओं से की खास बातचीत। उत्तर प्रदेश 2022 में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। वैसे में सभी पार्टियां सोनिया गांधी का कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, जहां सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने को तैयार हैं। जहां आज 19 दिसंबर को प्रियंका गांधी रायबरेली के रिफॉर्म क्लब में महिला शक्ति संवाद को संबोधित करेंगे। हाल ही में आए दो दिन के दौरे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लगातार दौरा किया, जहां पे लाखों की संख्या में भीड़ दिखी। तो वैसे में कांग्रेस के गढ़ को बचाने का दिन प्रियंका गांधी स्वयं अपने कंधों में अपनी बागडोर संभाली है। वहां जहां ये रायबरेली के रिफॉर्म क्लब अपने ही सोनिया अपनी ही माँ के गढ़ पे आज आ रही है, महिलाओं को संबोधित करेंगी। तो ऐसे में कुछ छात्रा है, आइए इनसे बात करते हैं, आज कहाँ पे आई है। आज आपको कहाँ पे आई है? सर हम यहाँ पे आए हैं, जैसे कि प्रियंका गांधी को बोला गया है। कहाँ पे आई है? सर हम आए हैं, प्रियंका गांधी जी आ रही है, मुझे बता रहे थे आपके वर्ड क्या बोले, क्या लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन मुझे आज परेशानियाँ आपको लगी सरकार में क्या परेशानी है? सर जैसे बता रहे थे कि अभी आज तक कि किसी ने वर्ड बताया कि लड़की हो आगे कुछ कर सकती हूँ, बट लेकिन सर ये वर्ड मुझे सुन के लग रहा है कि वह लड़की का वर्ड जो है मैं आगे चल के कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि लड़कियों को ना तो कोई जागरूक नहीं किया गया। यहाँ पे मुझे इतना सपोर्ट किया गया कि लड़की होकर मैं कुछ भी लाइफ में आगे कर सकती हूँ। और महिलाएं भी आई हैं, पूरे 18 ब्लॉकों और तहसील से सभी को बुलाया गया है। तो कुल मिला के देख सकते हैं आज प्रियंका गांधी का यहाँ महिला शक्ति संवाद है, जहाँ पे आज यहाँ पे हजारों की संख्या में महिलाएं और यहाँ पे लड़कियां आई हैं, और जो रिफॉर्म क्लब में कार्यक्रम रखा गया है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए आज नारी शक्ति जो महिला शक्ति संवाद है उसको संबोधित करेंगी। कैमरा पर्सन के साथ नरेंद्र त्रिपाठी, एमकेएन न्यूज रायबरेली।